सो गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स. सो मेरे साथ एक और गेस्ट आए हुए हैं मेरे, और मैंने आपको, मैं हमेशा ऐसे गेस्ट से मिलाता रहता हूँ. व्हाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉडी शेमिंग का इशू है, यहाँ पे मैंने आपको एकांत से मिलाया, व्योम, कई लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपने बॉडी शेमिंग के इंसिडेंट शेयर करे, बिकॉज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो. जस्ट बिकॉज आपकी चेस्ट ज़्यादा है या पेट ज़्यादा है या वेट ज़्यादा है, कुछ भी लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कई चीज़ें आपको हिट कर जाती हैं और आपको हर्ट कर जाती हैं. फिर वही आपके लिए एक मोटिवेशन बन जाती है और आप अपनी लाइफ चेंज कर देते हो. सेम हैपन टुडे जिनसे मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ, के साथ भी, यू नो, उनकी वही गर्लफ्रेंड ने उनको बड़ा बुली करा, बोला कि यार तू, तेरी औकात नहीं है मेरे साथ, बहुत चीज़ें, वो वही बताएंगे. देन उनका वेट बढ़ रहा था, वेट बढ़ने के साथ साथ वो डॉक्टर के पास गिरने लगा कि यार शायद कोई थायराइड का इशू ना हो. अब डॉक्टर्स, आपको पता है कई कैसे होते हैं, थे सम डॉक्टर्स की दे जस्ट वांट टू मेक मनी, वो आपसे बिजनेस करना चाहते हैं. तो उन्होंने उनका बताया कि हाँ, आपको तो, आपका तो बढ़ा हुआ है थायराइड, तो उनका थायराइड नॉर्मल था, तो ये थायराइड की पिल्स पे चले गए फॉर कपल ऑफ मंथ्स. इनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, इनका वेट और बढ़ गया. फिर जब इनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो, जो कहते ना, एक फर्जी मामला था, इन्होंने अपने आप को रिकवर करा और 5 महीने के अंदर अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा, और ही लॉस्ट 35 किलोज इन 5 मंथ्स. बट उस 35 किलोज के साथ साथ एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, जो मैं आप सबको बताता हूँ, विच इज़ अ चेस्ट फैट कह लो, या उसको कह लो लोअर बेली, जो कभी नहीं जाती. सो यही प्रॉब्लम मेरी भी थी जो मैंने फिक्स करी. आई एम श्योर यू फॉलोइंग द प्रोग्राम, बट दिस इज़ नॉट अबाउट द प्रोग्राम, दिस इज़ अबाउट हिज स्टोरी, बिकॉज इनसे आप काफ़ी रिलेट करने वाले हो. और मैंने इनकी टी शर्ट उतार रखी है. वाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ ये कॉन्फिडेंट हो अपनी चेस्ट को लेके, अपनी बॉडी को लेके. बिकॉज आपने देखा मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में भी, मेरी तो काफ़ी ज़्यादा गंदी चेस्ट है और बेली है. अगर मैं कर सकता हूँ ऐसी पे, तो ही इज़ तो मच मोर फिटर एंड रिप्ड देन व्हाट आई एम एंड व्हाट आई यूज्ड टू बी. सो मेरे पास बैठे हुए हैं मेहुल भाई. कैसे हो मेहुल भाई? बढ़िया. नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, ठीक है ना? तुम्हारा मैंने इतना अच्छा इंट्रो दे दिया, राइट? तो 35 किलोस कैसे लॉस करा ये सब इतना, मतलब कुछ मैजिक पिल बताओ तुझे क्या करा? मैजिक पिल नहीं, बस डेडिकेशन और लगन और बस मेहनत, इसी से जैसे बस बंदा कर जाता है. मैं बस बस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस एक गोल सेट कर ले तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है. तुम्हारा कैसे हुआ है, मतलब वेट गेन कैसे हुआ तुम्हारा इतना? लाइफस्टाइल ऐसा था, घर, अब लाइफस्टाइल कह लो, माँ का प्यार कह लो, कुछ भी कह लो, या मेरी गलती कह लो, लाइफस्टाइल में सारे दिन खाता रहता था वही बर्गर पिज्ज़ा वगैरह. ब्रेकफास्ट शुरुआती दिन की ऐसी होती थी, ब्रेकफास्ट में पराठे खाने, लंच में वही दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, मोस्टली रात में बाहर से आ रहा है खाना, वही सब मीठा खाना, यही लाइफस्टाइल फॉलो करता जा रहा था. पता ही नहीं था कहाँ जाना है, बस फिर मोटा होता चला गया. तो रियलाइज कब हुआ कि तुम काफ़ी मोटे हो गए और मुझे कुछ करना पड़ेगा? कब रियलाइज़ कब हुआ है? जब लोग बुली करने लग गए मुझे, कि मैं चेस्ट छेड़ने लग गए, पेट बोलने लग गए, ह्यूमिलेट करने लग गए. कैसे? इंसिडेंट शेयर करो कुछ. जैसे कि मैं अब स्कूल में, मतलब अगर मैं नीचे अगर एक्सरसाइज अपना वर्क कर रहा हूँ, पीछे से आके चेस्ट को दबा देना, क्या कहते पैंट, अगर मेरी पैंट की बेल्ट ऊपर हो रही है तो नीचे से पैंट खींच देना, ये सब. तो काफ़ी ज़्यादा होता था तुम्हारे साथ स्कूल में, मतलब तुम्हें उनके विक्टिम बन गए थे. तुम्हें क्या 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 और क्या क्या करते थे स्कूल के लड़के, बताओ ना, सबके साथ शेयर करो. स्कूल के लड़के यही सब मजाक, मतलब अपने ग्रुप, मेरे फ्रेंड के ग्रुप में भी अपने एक मजाक का विषय बन गया था. बस उनको ये पता था कि आज मेहुल आ रहा है, चलो इसके बुली करते हैं. बुली का क्या होता था, कभी चेस्ट पे ले जाना, कभी ग्रुप में मेरी मजाक की बातें करना, पेंट पे क्या कहते हैं मजाक उड़ाना, उसको भागना, मार के भागना, कि ताकि क्योंकि फैट ज़्यादा था तो मैं भाग नहीं पाता था, तो भी बोलते थे कैसे चल रहा है, कैसे भाग रहा है, क्योंकि उसके ऐसे कॉन्फिडेंस भी नहीं था लड़कियों के आगे मजाक उड़ाना. ऐसे क्या बोलते थे कि लड़कियों को ब्रा पहन, लड़कियां ब्रा पहनती हैं, तू ब्रा पहन क्या, तेरे ब्रा साइज़ क्या है, तेरा चेस्ट साइज़ क्या है, बता, यही सब. आज तुम बिना टी शर्ट के बैठे हुए हो उसी चेस्ट के सामने, सबके सामने जो लोग तुम्हें देख रहे हैं. तो जब तुम्हें ये मोटिवेशन कहाँ से आई कि यार अब तो यार कुछ करना ही पड़ेगा, बुली तो हो ही रहा हूँ, कुछ गर्लफ्रेंड का इशू था? हाँ, मैं एक लड़की से प्यार करता था, तो मतलब मेरे फ्रेंड्स को पता था, वो हमारे फ्रेंड सर्कल में ही थी. बट जब मैंने उस, जब मेरे फ्रेंड जो 12th ख़त्म होने वाली थी, मेरे फ्रेंड्स ने कहा तू एक बारी बोल तो दे उसे कि क्या पता कि वो भी हाँ कर दे. तो मैंने बड़े मतलब हिम्मत करके उसको बताया. मुझे पता था कि वो ना करेगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मोटा हूँ, बट जिस इस तरीके से ना करेगी नहीं, ये नहीं पता था. उसने ह्यूमिलेट करा, बोला कि मैं तुझे ब्रा गिफ्ट करूँगी, तू अब देख लड़की लड़की बनता जा रहा है, कि तू लड़की होके मैं लड़की से तो ना क्या कहते हैं रिलेशनशिप में आऊँगी.
तो देख अपने आप को क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। ये बोला उन्होंने तुम्हें? बिल्कुल। और फ्रेंड्स के आगे बोला? मैन, और फ्रेंड्स के आगे बोलना, अगर अकेले में बोले तो फिर बंदा एक भाई समझता है, फ्रेंड्स के आगे वो फ्रेंड को तो और मजाक बनाना आ गया। जो फ्रेंड्स मजाक उड़ाते थे, जो क्लासमेट्स और मजाक उड़ाते थे, वो और मजाक उड़ाने लग गए कि मेहुल को देखो किस उसने ऐसे बोला। तो तुम एक लड़की को पसंद करते थे, तो तुम उस लड़की को, तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में थी जो तुम्हारा ग्रुप था, तुमने उसको, तुम उसको पसंद किया, तुमने जाके उनको बोला कि यार बड़े वो तुमने जो प्रपोज करा होगा, लाइक मुझे पता नहीं ना पता करना है, राइट, आई एम श्योर अच्छा ही बोला होगा। उन्होंने तुम्हें वापस बोला कि मैं तुम्हें ब्रा गिफ्ट करूँगी, तुम अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो सबके सामने? बिल्कुल, उसने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्या प्रपोज करने की, तू देख तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मैन दैट्स ब्रूटल मैन, दैट हर्ट्स। तो तुम्हारे को क्या फील हुआ उस टाइम? तो मुझे बहुत बहुत बुरा फील हुआ, मैं घर जाके मतलब रूम में अपने आप को बंद कर लिया, मतलब मुझे ऐसा कर रहा था कि लाइफ ख़त्म हो गई है, क्योंकि सारे थॉट्स यही आ रहे थे कि मन कर रहा था स्लाइड कर लूँ, सब यही कि मैं अगले दिन क्लास स्कूल जाऊँगा तो यही सब मजाक उड़ाएंगे, क्या सोच रहे होंगे सब मेरे बारे में। फिर एंड में जब मैं जब टाइम रोता रहा, एक आधे एक घंटा रोने के बाद मैंने अपने अंदर ला दिया कि मैं 12th ख़त्म होने के बाद मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो ये तुम कौन सी क्लास में थे जब ये हुआ? ये ट्वेल्थ एंड में जब बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे तब की बात है। तो फिर इसी बीच में तुम्हें वो डॉक्टर साहब भी मिल गए जो तुम्हें थायराइड बता दिया तुम्हें उन्हें? बिल्कुल, उन्होंने थायराइड मेरा फैट, जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल मेरा ऐसा था कि खाना पीना ऐसा ख़राब था, तो पेरेंट्स को लगा कि शायद कि इसका वेट क्या कहते हैं थायराइड की वजह से क्यों नहीं बढ़ रहा, तो हम थायराइड डॉक्टर को दिखाने गए कि चेकअप करा लेते हैं कि कहीं इसकी वजह से ना बढ़ रहा हूँ। तो डॉक्टर ने अपने टेस्ट में रिपोर्ट में ये दिखाया कि हाँ बॉर्डर लाइन पे है, बट दवाई नॉर्मल डोसेज से ये ठीक हो सकता है। तो हम मैंने वो डोसेज लेनी स्टार्ट करी, बट अगले महीने डॉक्टर ने फिर बुलाया, फिर वो अपने टेस्ट रिपोर्ट्स में वो थायराइड बढ़ाता गया और वो डोसेज बढ़ाता गया, उससे फैट में तो कुछ घटा नहीं, उल्टा बढ़ा, बट वीकनेस और मैं पूरा माइंड नम हो गया, बॉडी नम हो गई, मैं शायद सोने वाला होने लग गया, शायद मैं सोते रहता था, वीकनेस आ गई बॉडी में, चक्कर रहने लग गए। डैम मैन दैट हर्ट्स मैन, ये चीज़ें तो मतलब सारे इंसिडेंट इकट्ठे ही हो गए, मतलब 12th में सब कुछ यही हो गया। तो मार्क्स में भी इम्पैक्ट आया कुछ? बिल्कुल, मैंने बस स्टार्टिंग ऑफ 12th जो पढ़ा था वो पढ़ा था, और जो बस बोर्ड्स जैसे आने वाले थे, जो बोर्ड्स के बीच में टाइम डेज मिले थे, सिर्फ उन्हीं में पढ़ा। बट 12th होने के बाद तुम्हारा एक तो एक मिशन था कि ट्रांसफॉर्म करना है, तो कैसे करा ट्रांसफॉर्म अपने आप को? ट्रांसफॉर्म मैंने सोचा था कि जिम ही एक है कि जिम जाऊंगा उससे पतला होऊंगा, और वैसे तो कुछ गोल नहीं था, बस ये था कि हाँ जिम जाना है, बट जिम गया वहाँ भी कुछ नहीं था, वहाँ भी बस जैसे मैं ट्रेडमिल पे चढ़ता था वो जैसे मैं भागता था सब मजाक उड़ाते थे कैसे भाग रहा है, क्योंकि मोटा था मैं, बस सही तरीके से भागा नहीं जाता था, वहाँ मजाक उड़ाते थे, मैं अगर स्किपिंग कर रहा हूँ मेरे फैट इतना था सब हिलता था, तो सब वही मतलब सब बैक बिचिंग कर रहे हैं, लड़कियाँ मजाक उड़ रही हैं, इवन ट्रेनर्स मजाक उड़ा रहे हैं, और ट्रेनर्स मुझे आके कहते थे कि यार इससे ऐसे तू नहीं कर सकता, पतला नहीं हो सकता, तो स्टीरॉयड्स ले या वो क्या कहते हैं बर्नर्स ले, इससे ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ, मेरे साथ भी होता था, मैं ना जब था ना तुम्हारी एज का ही था, तब जब भी मैं भागता था ट्रेडमिल या कहीं भी भागता था, तो ना ऊपर नीचे फैट इतना होता, ऊपर नीचे हिलता है। अगर तुम नीचे तुम पता नहीं वेस्ट पहनते थे नहीं, बनियान पहनते थे नहीं, तो तब तो पहनते थे तो पहननी पड़ती थी ना, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा अजीब सी शेप लगेगी। मैं आपको शेयर करता हूँ, 12th में फिजिकल का जैसे टेस्ट होता है, तो फिर तो उसमें मतलब ऐसे हमारी जो ड्रेस थी उसमें चेस्ट इतनी गंदी दिख रही थी, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे कुछ चाहिए कि इसको मैं कवर कर सकूं। मैं सीरियसली स्पोर्ट्स शॉप पे गया, मैंने उनसे पूछा कि कुछ ऐसी कुछ टाइट वो है कि जिससे ये सिर्फ टाइट हो रहे कि ये हिले ना, कि रनिंग कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ ये हिले ना, तो बट कुछ था ही नहीं ऑप्शन, तो हिलना था, कुछ ऐसी चीज़ आती ही नहीं। बहुत एम्बेरसिंग होता है यार, और ये वही समझ सकता है जिसके साथ ये होता है, तो आई एम श्योर अब बट द गुड पार्ट इज़ कि अब इतने लड़कों को प्रॉब्लम है, एंड यू नो दे आर ओपन अबाउट इट कि यार हम इसको फिक्स करेंगे। तो सर्जरी तो मेरे साथ भी हुआ, एंड दैट्स द रीज़न आई लॉन्च ये प्रोग्राम्स वगैरह ये वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे लड़के तुम जैसे मेरे जैसे लड़के जिनको ये प्रॉब्लम थी, बिकॉज अब मैं प्रॉब्लम को ठीक कर दिया क्योंकि तुम अब यहाँ ऐसे कंफर्टेबली बैठे हुए हो, राइट, अब कॉन्शियस हो अपनी बॉडी को लेके? नहीं अब नहीं, अब मुझे पता है कि मैं मतलब सेटिस्फाई नहीं, बट हाँ जो मुझे चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया। कैसे किया अचीव? अभी तुमने 135 किलो कम किया 5 महीने में, क्या करा सबको बताओ? मैंने फिर फाइनली घर पे जब मैंने देखा कि जिम से भी ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस वहाँ लूज़ हो रहा है, मुझे इस कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने देना था, तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि यार जिम कुछ मुझे जिम नहीं जाना, मेरे लिए घर पे ट्रेडमिल ला दो, साइकिल ला दो, मैं वैसे ही कम कर लूँगा।
तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मैनुअल ट्रेडमिल आती है वो ला के दी मुझे, क्या कहते हैं ट्विस्टर ला के दिया, साइकिल ला के दी। मैंने अपने एक रूम प्रॉपर एक जिम बना लिया था उसको, मैं सुबह और मैं अर्ली मॉर्निंग जिम जाता था और शाम को मैं कौन, बस मेरे लिए उस समय एक नॉलेज थी नहीं, बस ये था स्वेट आ रहा है मतलब पसीना आ रहा है मतलब फैट बर्न हो रहा है, बस मैंने वो 4-5 महीने में ये बस करता गया। और फिर फैट तो रिड्यूस हो गया बट वो स्किन पूरी लूज हो गई। तो उस स्किन लूज को टाइट करने के लिए क्या कर रहे हो? बस एक्सरसाइज, मतलब क्या अब डॉक्टर क्या कहते हैं, मैंने जिम चेंज किया जब लूज स्किन हो गई, जिम चेंज किया मैंने तो वहाँ मुझे बहुत अच्छे ट्रेनर मिले, कहते हैं उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे वेट रिड्यूस नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत रॉन्ग वे है, कि उन्होंने कहा कि आपकी डाइट में प्रोटीन भी कम था कि उसके वजह से, बट मैं जैन फैमिली से हूँ तो मैं कोई मुझे प्रोटीन सोर्स है ही नहीं, सिर्फ जो दाल या फिर पनीर वेजिटेरियन तो मैं कितना पनीर खा लूँगा और कितना दाल खा लूँगा जिससे कि मुझे प्रोटीन डाइट सफिशेंट ही नहीं थी। तो ट्रेनर ने कहा कि आप प्रोटीन लो, पर प्रोटीन हमारी इंडियन मेंटेलिटी, हमारी इंडियन कल्चर ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि प्रोटीन मतलब स्टीरॉयड, उससे तुम्हारे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, तो उसके लिए भी मैंने मनाया पेरेंट्स को बहुत, फिर जब जाके माने फिर लिया बट उससे भी कुछ फ़र्क नहीं आया। फिर ट्रेनर ने कहा कि तुझे नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, तो बट मैंने ट्राई करा कि चलो, मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इतना वो था कि यार लूज़ स्किन हो चुकी है कि मुझे करना है कुछ, तो मैंने वो सोचा कि एग्स से स्टार्ट करते हैं, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ एग्स खाने गया तो बट वॉमिट हो गई, देखते ही वॉमिट हो गई। फिर मैंने अगले दिन फिर गया उसके साथ, मुंह मिल गया फिर वॉमिट हो गई, ऐसे 5-6 दिन के बाद फिर मैं एग वाइट खा पाया। आदत हो गई, आदत हो गई। चलो कुछ, बिकॉज ये क्या होता है ना, ये बोलते हैं ट्रेनर्स, कोई भी लोग बोलते हैं अरे यार आपको ऐसे लॉस नहीं करना चाहिए था वेट लॉस, वैसे बहुत लोगों ने मुझे बोला, बट जिस पे बीतती है ना यार मेहुल, मतलब उसको वो डेस्परेट होता है कि भाई मैं तो कम करके छोड़ूंगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज बाद में नॉलेज, देखो व्हेन आई डिड दिस मेरे को तो कोई नॉलेज ही नहीं थी, और मेरे साथ तो भी ऐसे, तुम्हारे साथ तो फिर भी तुम्हें ठीक ठाक एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब वर्स तो है, मेरे साथ तो बहुत जैसे कहते ना वायलेंट, तब के बच्चे थोड़े वायलेंट हुआ करते थे राइट, अब तो फिर भी तुम टीचर को बोलोगे तो दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन राइट स्कूल में, लेकिन मैं ऐसे स्कूल से था कि दे वर वायलेंट मैन, कि मतलब लिटरली दे यूज़ टू हरास मी, हरासमेंट का मतलब तुम सोच सकते हो चेस को ऐसे दबोच लेंगे और 2-3 लड़के आएंगे और दे विल मेक फन ऑफ इट लिटरली, मतलब इट विल स्टार्ट हर्टिंग मी, मतलब मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में, तो मैंने तभी समझ गया था कि यार ये इसके दिस हैज़ टू गो, तो तभी मैं आई टेल पीपल कि टेक योर शर्ट ऑफ और जो तुम हो दिखाओ, बिकॉज तुम जितना इसको छुपाओगे ना पूरी ज़िंदगी छुपाते ही रह जाओगे, छुपाना नहीं है दिखाना है करके। जो लोग तुम्हारा मजाक बनाते थे ना उस टाइम, अब वो तुम्हें देख रहे होंगे राइट, यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू अचीव्ड राइट, प्राउड कि तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हाँ यार मैंने ये करा। रहा सवाल, तुमने सारा हार्डवर्क तो कर ही लिया, तुम्हारा अनवांटेड फैट तो सारा चला ही गया, अब बॉडी में सिर्फ जो थोड़ा बहुत रह गया वो रह गया एक शेप देना, वो तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करोगे तो नो भी ठीक हो जाएगा आई एम श्योर राइट। तो आई एम श्योर कि कई लड़के तुम्हें जो ऐसे देख रहे हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, तुम ऐसे बैठे हुए हो और अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच कि तुमने बात करी। तो मेरे पास एक कुछ है तुम्हारे लिए, दिस इज़ अ सर्टिफिकेट जो हम सबको देते हैं जो यहाँ आते हैं फॉर शेयरिंग द स्टोरी, सो दिस इज़ फॉर यू राइट। सो गाइज, यही मेहुल कह लो, ऐसे कई लोग हैं मेहुल जैसे, चेस्ट का तो एक इशू बहाना है, कुछ भी हो सकता है, फैट ऑन योर एब्स हो सकता है, कुछ हो सकता है, लोगों को मजाक बनाना है दूसरों का, दे वॉन्ट टू बुली यू, बट मेरा इस वीडियो के थ्रू एक ही मैसेज है, डोंट लेट देम बुली यू। आप उनको जवाब दीजिए, काम से जवाब दीजिए, अपनी बॉडी ठीक करके जवाब दीजिए, बिकॉज जैसे उस लड़की ने तुम्हें मोटिवेट करा, तुमने उसको मोटिवेशन की तरह यूज़ करा, तुम शुरू में रोए बट बाद में यू गॉट मोटिवेटेड, सो दैट्स द आइडिया, इसको मोटिवेशन की तरह यूज़ करो, आई एम श्योर यू विल रीच ग्रेटर हाइट्स, तुम अपनी नेक्स्ट बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। बाय द वे, प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो नहीं करो, कैसे करोगे? मंडे से स्टार्ट करूँगा मैं विद 90 डेज वाला एब्स वाला। परफेक्ट, सो आई एम श्योर दैट प्रोग्राम विल हेल्प यू अ लॉट। आई एम श्योर वो मेरे साथ जो इशू है ना, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हुए, दैट्स द रीजन आई डू व्हाट आई डू। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी भी स्टोरी है, डू ड्रॉप अ कमेंट ऑन माय यूट्यूब और माय इंस्टाग्राम, डीएम मी एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।